वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ आज, जो कि 1921 में इलेक्ट्रीशियन और फिटर के छात्र हों और कोई भी सत्संग के छात्र हों, वो देख सकते हैं कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम आया हुआ है सीबीटी का, उसमें आप लोगों को बहुत सा कन्फ्यूजन हो रहा है। सर एग्ज़ाम कैसे होगा, सर कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब होगा। तो DGET ने अपना अपना एडमिट कार्ड जारी कर दिया, सारे स्टेट ने स्टेट लोग अपना अपना एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। तो उसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, हो सकता है कुछ स्टेट में एडमिट कार्ड जो जारी हुए हैं उनमें सारे सब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट कब होगा, ठीक है, अब कौन सा दिन में होगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं एक बच्चे का एडमिट कार्ड आपको दिखा रहा हूँ, उनका जो है केवल ट्रेड थ्योरी का ही पेपर आया हुआ है, ट्रेड थ्योरी का ही पेपर आया हुआ है, जो कि आपका 20/12/2021 को है, ठीक है। ये झारखंड धनबाद के है विद्यार्थी, ठीक है, उनका सेंटर दिया हुआ है RN ITI में, जो कि मल्टीक्राफ्ट ITI के छात्र हैं, ठीक है, उनका एडमिशन में दिखा रहा हूँ। तो आप लोग जानिए, ये एग्जाम एक ही दिन में खत्म नहीं होगा, इस बच्चे का भी एग्जाम दो दिन और एक दिन और चलेगी। वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये दो सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही दिन होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग एक साथ 4 घंटा बैठ नहीं सकते। पिछले बार क्या हुआ था, 18-20 के छात्रों के साथ, 18-20 के जो छात्र थे पिछले बार, उनका ट्रेड थ्योरी प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन का ही एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो कि 40 क्वेश्चन इसमें आए थे और 20 क्वेश्चन इसमें आए थे, 60 क्वेश्चन था, 3 घंटा इन्हें समय दिया गया था, ठीक है, 3 घंटा का समय इन्हें दिया गया था। अब ये क्राइटेरिया चेंज हो चुका है, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को ऐड किया गया है। ट्रेड थ्योरी में 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, ट्रेड थ्योरी में 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और इनके लिए इनको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन में 25 क्वेश्चन आएंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, टोटल 50 मार्क्स के होंगे, इनके लिए इन्हें 1 घंटा का समय मिलेगा। और फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर में ऐड किया गया है, जो कि पहले बीच में नहीं था, ये 50 का होंगे और इनके लिए ये दोनों एक ही दिन होंगे आपको, ठीक है। ऐसा नहीं जिस बच्चा का एडमिट कार्ड में एक ही डेट शो कर रहा होगा तो वो ना समझे कि मेरा एक ही एग्जाम है, वो अपने कॉलेज में कॉन्टेक्ट करें कि मेरा एग्जाम कब है, मेरा एग्जाम कब है, वो कॉलेज में कॉन्टेक्ट करें। हो सकता है कि उनके एडमिट कार्ड में छप के वो डेट भी मेंशन हो जाए, अपने अपने प्रोफाइल से वो डाउनलोड कर सकते हैं किस प्रकार मेरा एग्जाम कब है, ठीक है। तो ये जान लीजिए, मास क्राइटेरिया को चेंज किया गया है और सेकेंड ईयर 1921 के जो भी छात्र है उनका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम होगा, 100% है कि उनका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम होगा। और एक साथ 4 घंटे नहीं बैठ सकते हैं, इस वजह से DGET ने यह फैसला लिया है कि बच्चों को 2 घंटा का ट्रेड थ्योरी और 2 घंटा का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को ऐड किया गया है। ये चीज आप लोग ध्यान दे दें, सभी बच्चों का ये सवाल है, कंफ्यूजन हो रहा है कि सर मैं कैसे एग्जाम दूंगा। दो दिन आपको देना होगा, DGET ने डिसाइड कर ली है, और क्वेश्चन क्राइटेरिया को 40 की जगह थ्योरी में 50 क्वेश्चन को लाया गया है और सिलेबस को थोड़ा बदला गया है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिएगा, तभी आप ये सारा चीज को सॉल्व कर पाइएगा। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ऐड हुआ है, ठीक है, DGET ने पहले से जारी किया था कि मैं ऐड करूंगा, आज उन्होंने ऐड कर दिया है, ठीक है। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं, सभी के एडमिट कार्ड में हो सकता है किसी किसी के एडमिट कार्ड में सारे मेंशन होके आए हुए होंगे, एम्प्लॉयबिलिटी और वर्कशॉप। जिनका नहीं आया हुआ है वो नहीं सोचे कि मेरा केवल थ्योरी का एग्जाम होगा, उनका भी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम होगा।
ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।